युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं व राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ शनिवार को गोरक्षपीठाधीश्वर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखनाथ मंदिर के स्मृति सभागार में किया गया। आयोजन के पहले दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई थ्योरी में पता चला है कि पूरे देश का डीएनए एक है। यहां आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियाद रहा है। भारत का डीएनए एक है, इसलिए भारत एक है। आज दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में ही समाप्त होती गई हैं, जबकि भारत में फल फूल रही हैं। पूरी दुनिया को भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसे अपने पवित्र ग्रंथों वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत आदि की जानकारी ना हो। हर भारतीय परंपरागत रूप से इन कथाओं को सुनते हुए उनसे प्रेरित होते हुए आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, रामायण में माता सीता ने प्रभु श्री राम को आर्यपुत्र कहकर संबोधित किया है, पर कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से इतिहास की पुस्तकों में यह पढ़वाया कि तुम आर्य बाहर से आए हो। इतिहास के इस काले अध्याय के जरिए की गई कुत्सित चेष्टा का परिणाम देश लंबे समय से भुगतता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब चीन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करता था और हम मौन रहते थे। आज सक्षम नेतृत्व ने डोकलाम में चीन को जो करारा जवाब दिया उसे पूरा विश्व जानता है। आज प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके पीछे 135 करोड़ लोगों का व्यापक समर्थन होता है। ऐसे में दुनिया की कोई भी ताकत भारत के आगे ठहर नहीं पाएगी। आज के नेतृत्व की तरह हर क्षेत्र और नागरिकों के आचरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे जो समाज रहता है वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, समाज को खुद भी आगे आना होगा। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महंतों ने राष्ट्र धर्म व लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि कहने को गोरक्षपीठ शैव परंपरा का पीठ है, लेकिन वैष्णव परंपरा के श्री राम मंदिर निर्माण में भी गोरक्षपीठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महंतों ने पीठ को सिर्फ उपासना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। संगोष्ठी को जगतगुरु रामानुजाचार्य, स्वामी वासुदेवाचार्य, स्वामी श्रीधराचार्य, महंत सुरेश दास ने भी संबोधित किया। और पुस्तक जनों द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पुष्पांजलि साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का संगोष्ठी, जिसमें आज कल्पना ही समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, इस पर विद्वजनों मनीषियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं माम्यं मा सनि मेधामयासि खगुस्वाहा जां मेधान् देवगणाः पिता।
पितारश्चो मेधावीनां कुरुस्वाहा अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मे स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत्याः सखा तद्विष्णोः परदिवीव चक्षुरा ततम् उपभरणादीनां मा धिया विप्रो अजायत। मैं युवा विद्वान श्री सुजल तिवारी एवं श्री गौरव तिवारी को आमंत्रित करता हूं। श्री सुजल तिवारी एवं श्री गौरव तिवारी जी। हमारे नेतृत्वकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, कल्पना करते हैं और उन सभी तंतुओं को एक एक करके मजबूत करने की कोशिश करते हैं जिससे ये एका ये ताकत ये बदलाव आता है। दो बार भगवान का नाम अवश्य लीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मांसेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं परं कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्गृपं दत्त्वा निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। अवेद्यनाथस्य महानुभावश्चात्रास्ति या दिव्यसभास्वियोजिता तस्यां सभायां वयमत्र चागताः श्रद्धाञ्जलिं तत्र समर्पणाय। अवेद्यनाथाख्य महानुभावो गोरक्षपीठाधिपतिर्वरेण्यः यस्यार्चनायै वयं समेधिता सम्प्राप्तवन्तः मायैव निजं समग्रम् आयुष्यमेवार्पितमत्र येन तस्मै नतिस्या नितरां महीयसे। और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत विद्यनाथ जी महाराज के साथ पेश होने तिथि के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के उद्घाटन सत्र और आज की संगोष्ठी एक भारत
भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। आयोजन इस संगोष्ठी में यहाँ पर जिनका आश्रयोजन आप सबको भी प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी सिद्धाचार्य जी महाराज, दिगंबर काड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, आगरा समाई से पधारे धर्मचारी दासदास जी महाराज, वडोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, काशी से पधारे महामंडेश्वर महंत संतोषदास जी महाराज सतोहा, महंत प्रेमदास जी महाराज, श्री महंत रामचंद्र दास जी महाराज, महंत राजू दास जी महाराज, रविंद्र दास जी महाराज, और आज के इस कार्यक्रम में जिनका मुख्य उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, माणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर जय प्रताप सिंह जी, माणा प्रताप शिक्षा परिषद से सर्वोच्च संस्थाओं के सभी आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष मोरक स्ट्रीट की ओर से अपने आचार्य द्वय की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत कल से प्रारंभ हुआ है। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने अभी अपने विचारों का सबके सामने रखा, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में उससे विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के उद्धरण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है,
के अंदर ऐसे पवित्र महाकाव्य हैं जिनकी कथा हर भारतीय अपने जन्म के साथ, अपने परिवार की विरासत के साथ, अपनी कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से सुनता चला रहा है। उसके जैसे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग विषय है कि किसी को सतवा बाबा जैसा कथावाचक बनना हो तो वह जाकर के इस विषय को लेकर के विशिष्ट ज्ञान अर्जित करे, लेकिन सामान्यतः हर भारतीय अपनी परंपरा से, घर में माँ से, दादी से, परिवार के अन्य बुजुर्गों से इन कथाओं के प्रसंगों को सुनता है और उस सुन सुन करके वो बड़ा होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक प्रेरणा प्राप्त होती है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, हर एक भारतीय। और आप देखें कितना अंतर है, क्यों प्रधानमंत्री जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कड़ी कहनी पड़ी, उसको कारण रखो, कोई बात तो नहीं होगी। हमारा वेद कहता है, अगर अथर्व वेद को हम देखें, कहता है माता भूमि पुत्रो हम प्रति, यानी हमारा वेद हम सबको इस धरती के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, क्या श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहा है। हमारा यजुर्वेद भी हमें कहता है वयम दास्ते जागृहं पुरोहिताः। महाभारत हमसे क्या कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत खोजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन देश के बारे में क्या है। और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य गुण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो कामना जहां, भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत की कवि की लेखन, लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया। आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इनमें से कोई भी आपसे ये कहता है कि आप बाहर से आए हैं, कोई आपसे नहीं कहता। सब कहते हैं पार्ट है, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है, हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया, अपने इसको हमने इसके अपने भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक कथाओं के माध्यम से इसे आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता, यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से याचिका को पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं,
तुम तो बाहर से आए हो, हमारे यहां आर्य और आर्य तो सब चले, भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से पतित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि आप आ रहे हैं, आप बाहर से आए हैं, दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। अब याद करिए रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती, आर्य पुत्र कहकर के उन्हें पुकारती है, यानी पति का संबोधन क्या, आर्य पुत्र कहकर के। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या कहा बताएगा, कहा कि आपको बाहर से आए, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे सर और मूल बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा, आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने इस विरासत से काटने का प्रयास करती है, और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की, उसका दुष्परिणाम देश एक लंबे समय तक भुगतता है। आज भी जो विरोध होता है, किस बात का विरोध करते हैं लोग, मोदी जी का एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया, और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों के खाने कमाने का जरिया तो बंद हो गया, और भारत को अपमानित करने का तो धंधा था बंद हो गया, दुनिया को संदेश करने का धंधा बंद हो गया, इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा, अच्छा कैसे इसको मान सकते हैं। और ये सवाल लगातार हो गया, हरेक स्तर पर होती रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाव हम सबके सामने व्यक्त किया, देश के सामने व्यक्त किया, हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जो नई डीएनए थ्योरी आई वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद खड़ा किया गया है ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, पूरे भारत का डीएनए एक है और इसमें भारत एक है। क्योंकि भारत ने दुनिया को अयम निज करो देति गणना अनुचेता उदार चरता नाम वो सुधैव उनको का भाव भी भारत ने दुनिया को दिया है, दुनिया में किसी और ने नहीं दिया। यह देने वाला दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण देकर के उसकी रक्षा की उपाय न किए। दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में समाप्त हो चुकी है, हो रही है, लेकिन भारत के अंदर फलफूल रही है, आगे बढ़ रही है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जुडिशरी का क्षेत्र हो, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने प्रगति न की हो, और उस प्रकार का माहौल भारत ने दिया है, भारतीयों ने दिया है।
भारत के आम जनमानस ने दिया है, तो फिर भारत का नागरिक इस झूठ और फरेब के चक्कर में क्यों फंस गया? हम तो ये भी अंतर तय करने में विफल हो गए। एक कालखंड वहां भी था, विवाद खड़ा कर दिया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है या बाप का ढांचा है। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। क्योंकि जब कोई समाज आत्मविस्मृति के किसी चंगुल में फंस जाता है तो उसको भ्रम में डालना, बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाता है। और यही भारतीयों के साथ हुआ, यही भारतीयता के साथ भी हुआ। और इसी चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जो मंत्र दिए हैं, सबका साथ सबके विकास का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आपके सामने प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी अपनी बात को कह रहे थे। उन्होंने अपनी बात कही कि चीन के सामने पहले भारत मौन होता था, वो आक्रमण करता था, भारत मौन रहता था। लेकिन गांधीवाद ने जवाब में लिखा होगा कि जैसे ही चीन ने शरारत की, भारत मौन गया। दो महीना, तीन महीना, चार महीना रहा, अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत का प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का मतलब भारत की 135 करोड़ लोगों का व्यापक समर्थन जिनके साथ में है, उनका यह वाक्य है, उनके द्वारा दिया जाने वाला भाषण है। ताकत कितने नागरिकों की ताकत है। और जब 135 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में बोलना प्रारंभ करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने खड़ नहीं पाएगी। अवलोकन किया होगा। और आज अगर भारत के अंदर हरेक क्षेत्र में नेतृत्व जैसा होता है, उस प्रकार से देश के नागरिकों का आचरण भी होते दिखाई दे सकता है। और आज देश अगर हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वह परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गोरखपीठ के आचार्य द्वय अपनी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और अपनी महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। देखिए गोरखपीठ के योगी थे, गोरखपीठ के महंत बने, गोरखपीठ की परंपरा के साथ जुड़ करके उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया। गोरखपीठ कहने के लिए सर्व परंपरा की पीठ है, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव परंपरा के यज्ञ में से राम जन्मभूमि मुक्त की कई आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में गोरखपीठ के दोनों पिता के सभा करे थे। क्योंकि हमारे लिए उपासना विधि का नहीं, ये एक राष्ट्र धर्म था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम था, यही हमारा राष्ट्र धर्म था। और इसके लिए प्रभु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, इसके लिए प्रभु महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। गोरखपीठ में सीमित नहीं है, गोरखपीठ में गौ की सेवा तब भी होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन उन्होंने क्यों यहां तक नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहे। संस्कृत का, देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, कार्य करते रहे गोरखपीठ के माध्यम से भी। और जहां भी कोई भी गोरखनाथ पंथ से जुड़ा हुआ कोई भी धर्मस्पर्धा हो, कोई भी योगी, कोई भी श्री महंत गोरखपीठ से मिलने के लिए आता था, उसको एक ही बात कहते थे, कहते देखो कि अपना मंदिर को दर्शनीय बनाओ, साफ सुथरा बनाओ। कोई आता है उसकी जाति मत पूछो, उसका मतलब मत और मजहब मत पूछो। कोई आता है सम्मानजनक ढंग से जो तुम खा रहे हो वह उसको भी खिला, भेदभाव मत करो। तुम्हारे पास क्षमता है तो वहां पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करो, तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है
आरोग्यता के लिए और शिक्षा के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए भी, उत्तम शिक्षा के लिए भी अपने नागरिकों को तैयार करो। हर धर्मस्थल का एक भाव होना चाहिए और उस भाव के साथ में निरंतर कार्य करते रहे। गोरख स्पीच की ओर से महान प्रताप शिक्षा परिषद का संचालन कहने के लोग कह सकते हैं सरकार का काम, क्योंकि सरकार के भरोसे रहकर के जो समाज रहता है वो कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। समाज की स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है जब समाज आगे आगे चले और सरकार उसके पीछे पीछे चले, सरकार उसको फॉलो करे, सरकार उसको अनुसरण करे और सरकार उसको पीछे से सहयोग करता हुआ दिखाई दे। लेकिन नेतृत्व समाज जब करता हुआ दिखाई देता है वह समाज आत्मनिर्भर बनता है, वही समाज स्वावलंबी बनता है और स्वावलंबन को अग्रसर करने के लिए ही वे नेतृत्व करते हैं। जब गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस रूप में नहीं थी, उन्होंने माना प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होना है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था, सरकार के पास संसाधन नहीं थे, उन्होंने कहा हम लोग देंगे। उन्होंने अपने महान प्रताप शिक्षा परिषद के दो कॉलेज दे दिए, उन्होंने कहा नहीं इसी से शुरू हो जाना चाहिए। आसपास जहां पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, याद करिए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर बालिकाओं को स्कूल नहीं है स्थित। 1956 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महान प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी, 1946 में महान प्रताप कॉलेज की स्थापना कर दी और 1956 में ही गोरखपुर में महान प्रताप महिला कॉलेज की स्थापना कर दी। उससे पहले महान प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी कुछ अन्य संस्थाएं खड़ी हो चुकी। 1967 में उन्होंने यहां पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी। यानी ये सोच उस समय की हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, केवल हमारा काम अपनी उपासना विधि के जागरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, स्वयं की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए हम किस रूप में समर्पित होकर के कार्य कर सके और कैसे पूरे भारत को भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों के माध्यम से धार्मिक जागरण के माध्यम से कैसे इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन सके, इसके लिए पूरा जीवन उनका समर्पित रहा। और आज के इस साप्ताहिक संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ इस गोष्ठी के माध्यम से, आगामी अन्य गोष्ठियां हर दिन यहाँ पर अगले 22 तक ये गोष्ठियां चलेंगी, 23 तक 23 को यहाँ पर ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को और 24 को ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के चरणों में यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन ये 18 से 22 तक अलग अलग दिन अलग अलग विषयों को संबंधित समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी होगी, जिनके लिए आचार्य द्विवेदी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। आज के इस अवसर पर मैं अतिथियों का हृदय से यहाँ पर अभिनंदन करूंगा, उन्हें हृदय से मैं साधुवाद दूंगा। आगंतुक जितने भी महानुभाव हैं उन सबको और महान प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के शिक्षा परिषद से जितने भी जुड़े हुए आचार्य हैं, छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग इस प्रकार की बहुत कुछ सीखने का जानने का एक अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि इन गोष्ठियों के माध्यम से जो कुछ भी आप सुनते हैं जानते हैं यहाँ पर उपस्थित होने वाले कुछ संतों विद्वानों के स्वरूप से जो कुछ भी आता है, जिसमें से अगर कुछ भी अनुसार अंगीकार कर सकेंगे तो आपके भावी जीवन के निर्माण में उसकी बड़ी उपयोगिता होगी। आज के इस अवसर पर मैं अपने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और अपने महंत वेदनाथ जी महाराज की सच्चियों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि वे निरंतर आचार्य द्वय के उन मार्गों का अनुसरण करते हुए, आदर्शों का अनुसरण करते हुए जिसके लिए मैंने पूरा जीवन जिया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना है। ओम शांति शांति।